हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। देखो, एक हमारा पहले भी हो चुका है एक टॉपिक, उसमें सम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी कुछ पॉइंट हमारे आ गए थे, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कुछ रिवाइज होगा, लेकिन कुछ नए होंगे। हम लगभग है 10-11 यौगिक पढ़ेंगे, 10-11 यौगिक में हमारे 3-4 है वो रिपीट हो जाएंगे, और कुछ है हमारे जो और बाकी है हमारे नए होंगे। तो उन 3-4 जो रिपीट होंगे उसमें जो नई नई चीज होगी वो हम बस डिस्कस करेंगे, और कोई डिस्कस नहीं करना हमने उसके बारे में। देखो, नंबर वन पर हम बात करते हैं NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्या होता है, क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह सबसे प्रबल अम्ल है, यह भी हमने डिस्कस कर लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल अम्ल है। और यह है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यह बात है कि जो साबुन बनाने के लिए जो काम आता है, यह हार्ड सोप बनाते हैं। इससे किससे बनाते हैं? हार्ड सोप, कठोर साबुन इसी से बनाते हैं, हार्ड सोप बनाने में। ठीक है, हार्ड सोप बनाने में, कठोर साबुन बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा Na2CO3 है, Na2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम सोडा एस भी बोलते हैं। सभी को ध्यान होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडा एस है, इसी का नाम है। इंग्लिश में भी सोडा एस ही बोलते हैं इसको, सोडा एस। ठीक है, सोडा एस है, यही है सोडा एस का। कई बार पेपर में नॉर्मल पूछ लिया जाता है फार्मूला कि सोडा एस का फार्मूला क्या है, तो सोडा एस हमारा सोडियम कार्बोनेट ही होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन मींस क्या है, इसमें पानी मिलाते हैं, हाइड्रेशन करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो इसमें पानी के लगभग 10 अणु हमारे, कितने अणु? Na2CO3 × 10H2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10H2। इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मीन्स क्या होता है? 10 क्या डाले हैं इसमें? हाइड्रेट डाले, मतलब पानी के अणु डाले हैं इसमें। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यही हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा है, वही हमारा कपड़े धोने का सोडा होता है। और मैंने ये भी बता चुका हूं, इसका उपयोग है कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसका डिटर्जेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर NaHCO3 है, वो हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह भी हम पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो यही हमारा क्या? NaHCO3, और इसका उपयोग है, हम कई बार जो पूछा आता है कि आग बुझाने के लिए अग्निशामक में इसी का प्रयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर अग्निशामक में इसी का प्रयोग करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा किस में इसका प्रयोग करते हैं? और इसके अलावा अग्निशामक में प्रतिअमल के रूप में, और इसके अलावा किसके रूप में? प्रतिअमल में एंट एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिडिटी दूर करता है, ये अम्लीयता को, पेट की अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का को दूर करने के लिए। इसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मली मीठा सोडा बोल देते हैं, खाने का सोडा बोल देते हैं, यही है वो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, ये हमारे तीन हो गए, ये हम तीनों एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ नया देखते हैं हम फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं, एक आपने कई बार ध्यान किया होगा जिप्सम के बारे में। वैसे तो मैंने जिप्सम के बारे में पहले भी बता चुका हूं, जिप्सम है, जिप्सम
जिप्सम, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 into 2H2O, ठीक है, जिप्सम का सूत्र है ये। और सीमेंट में, सीमेंट में कितना जिप्सम मिलाते हैं? सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 2 से 5% तक जिप्सम। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि सीमेंट के जमाव को धीमा करने के लिए, यह क्या करता है? सीमेंट के जमाव को धीमा करता है, सीमेंट एकदम न जमे, सीमेंट के जमाव को धीमा करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, को धीमा करने के लिए, धीमा धीमा करने के लिए, यही हमारा क्या है? जिप्सम है। और किस में डालते हैं हम? सीमेंट में डालते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लो, पूरी स्पीड से हो गया हमारा, क्योंकि ये पहले हो चुका है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड से करवा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर और पॉइंट क्या देखना है, यही देख लेते हैं फिर, इस यहां और कोई आ नहीं सकता। ये जो 2H2O है ना, ये हमारा क्या हाइड्रेशन है, क्या है? हाइड्रेशन, मतलब इसमें पानी के अणु है। पानी के कितने अणु हैं? कई बार ये पूछ ले नॉर्मली कि जो कैल्शियम सल्फेट है उसमें पानी के कितने अणु होते हैं, तो वो कितने अणु होते हैं? 2 पानी के अणु होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपको ध्यान रखना। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कभी ये सोचो कि हिंदी वाले ये सोचे कि ये क्या है मास्टर जी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में कुछ नहीं है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सेम का सेम है। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे पीओपी की, इसी से बनता है हमारा पीओपी। अब ये थोड़ा आराम से हम पढ़ेंगे। देखो पीओपी है, वैसे पहले भी मैं क्या पता शायद आपको पढ़ा चुका हूं थोड़ा बहुत, तो इसमें थोड़ा सा एक नया चीज आएगी इसमें, बस प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी है, कई बार हम देखते हैं घरों में पीओपी है, वो करते हैं जो ऊपर है हमारी छत है, तो छतों में पुताई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो पीओपी डालते हैं। तो एक दूसरा है यहां पर जो हड्डियों को जोड़ते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए। और आपने कई बार देखा हुआ मूर्तियां बनाने के लिए, ये मूर्तियां बनाने के लिए जो मूर्तियां बनती है वो भी किससे बनती है? पीओपी से बनती है, ठीक है। और मूर्तियां, मूर्तियां बनाई जाती है, आइडॉल्स, और खिलौने बनाए जाते हैं, वह खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, ठीक है। तो यह हम देखते हैं जो पीओपी है यह किससे प्राप्त होता है? CaSO4 into 2H2O से प्राप्त होता है, 2H2O से। जब हम बिल्कुल 373 केल्विन के आसपास, 373 केल्विन मींस क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, इसका मतलब क्या है? लगभग, इसका मतलब क्या है? लगभग, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर यदि इसको गर्म करें, ठीक है, मतलब एक तो बिल्कुल क्या है, थोड़ा सा आपने पार्सली हीटिंग कर दिया, क्या कर दिया? पार्सली हीटिंग। पार्सली हीटिंग मींस क्या है? थोड़ा सा नॉर्मली, पार्सली, पार्सली क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, पार्सली हीटिंग कर दिया और उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया, तब हमको क्या प्राप्त हो जाता है? CaSO4 into H2O, इसी को हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं पीओपी बोलते हैं। और क्या नाम है इसका? देखो H2O है, तो H2O है तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं या सेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी, हेमी या सेमी, एक ही बात है, ठीक है। सेमी मतलब भी क्या होता है? आधा, आधा हाइड्रेट, ठीक है। इसका एक फार्मूला और हो सकता है, देखो एक CaSO4 के साथ में आधा H2 आता है, एक CaSO4 के साथ में आधा H2 आता है, यदि हमारे दो CaSO4 हो या क्या हो हमारे वर, वर इसका फार्मूला क्या हो सकता है? वर इसका फार्मूला हो सकता है या
सी एस ओ फोर कितने, दो, दो सी एस ओ फोर इंटू पूरा एस टू ओ, तो यह भी इसका फार्मूला हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपने बात। ये तो था हमारा पार्शली हीटिंग। अब हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसको हम बोल देंगे हार्ड हीटिंग करनी है। हार्ड हीटिंग मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा हीटिंग करनी है, स्ट्रॉन्गली हीटिंग करनी है। तापमान को हम बढ़ा दें, तापमान को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे और इसका सारा पानी उड़ जाए, तो वो हो जाता हमारा CaSO4। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यदि आपने थोड़ा सा नॉर्मली गर्म करोगे तो पीओपी प्राप्त होगा, और यदि आप इसको ज्यादा तापमान पर गर्म करोगे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उपयोग कहां होता है, हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां खिलौना बनाने में। और कई बार पीओपी का सूत्र है यह पूछ लिया जाता है, 2CaSO4 इंटू पूरा H2O है। ठीक है, आप H2O, एक CaSO4 के साथ में आधा H2O है, तो 2CaSO4 के साथ में पूरा H2O आ सकता है, इस रूप से यह है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान करना है। यह था हमारा पीओपी, अच्छी तरह से ध्यान कर लो, फिर आगे देखेंगे हम। लिख दिया होगा, आगे देखो, पांच हो गए, छठा देखेंगे। छठे नंबर पर हमारा फिलोसफर वूल, क्या है, फिलोसफर वूल। वूल का मतलब क्या है, रुई है ना, वूल होती है। तो फिलोसफर वूल है, यह बहुत ज्यादा पेपर में पूछा आता है फिलोसफर वूल। इसको ऐसे फिलोसफर वूल ऐसे भी बोलते हैं, फिलोसफर वूल ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसलिए इसका नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। तो फिलोसफर वूल है, इसको फ्लावर ऑफ जिंक, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लावर ऑफ जिंक, इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम फ्लावर ऑफ जिंक है, फ्लावर ऑफ जिंक मतलब जस्ता का फूल, जस्ता का फूल है, फूल है। और इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, ZnO, इसकी को हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ZnO है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान करना है। पेपर में ये पूछ ले भी इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग है, इसका उपयोग, इसका उपयोग जो हमारी सनस्क्रीम होती है, सनस्क्रीम, सनक्रीम, सनक्रीम बोलते हैं ना, सनस्क्रीम, सनस्क्रीम क्या करती है, हमारी बॉडी को, जो हमारी त्वचा को, त्वचा को प्राबैंगनी किरणों से बचाती है, जो सूर्य में जो प्राबैंगनी किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट बी से बचाती है। जो ए तो एक होती है, ए एक बी होती है, एक सी होती है, सी है हमारी खतरनाक है, ए हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, और बी है वो भी कुछ पृथ्वी पर पहुंचती है, तो वही उसी से बचाती है, त्वचा को प्राबैंगनी किरणों से बचाती है, त्वचा को प्राबैंगनी किरणों से बचाती है। किरणों से बचाती है, बचाती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सातवें नंबर पर यह तो था हमारा फिलोसफर वूल। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे आपको पोटास एलम सुना होगा, पोटास एलम, पोटास एलम, एलम, इसको पोटास एलम को हम बोलते हैं फिटकरी, फिटकरी है। आपको ध्यान है सभी को फिटकरी का, तो कई बार अपने जो सेविंग वगैरह करवाते हैं तो उपयोग किया जाता है, जो बल्ड आ जाता है तो बल्ड के क्लोटिंग जमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक, इट इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक बिकॉज, एंटीसेप्टिक बिकॉज, बिकॉज इट इज यूज फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, फॉर द
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमाने के लिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यह एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। और एंटीसेप्टिक हिंदी में लिख सकते हो आप, यह एंटीसेप्टिक के प्रयोग रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह रक्त का थक्का जमाने में उपयोग होता है, यह रक्त का थक्का जमाने में। आपने कई बार देखा ब्लेड लग जाए तो उसके बाद में उसके ऊपर है फिटकरी लगा दी जाए तो रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। दूसरा, आपको सभी को ध्यान है जो फिटकरी है ये पानी को शुद्ध करती है, प्यूरिफिकेशन करती है पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी के अंदर कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल तैर रहे हो ना तो उसको बिठा देगी पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया मारने के लिए तो क्लोरीन उपयोग करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए ये जो कुछ पार्टिकल होते हैं वो बैठ जाते हैं इसे, तो इस रूप से पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और इससे पूछा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सूत्र पूछा आता है कई बार पेपरों में, भाई सूत्र कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक तो होता है हमारा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है K2SO4 होता है। फिर दूसरे नंबर हम बात करें तो एक दूसरा हमारा एल्यूमिनियम के साथ में जो SO4 के जो सल्फेट के हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं, एल्यूमिनियम के साथ में SO4, फिर हमारे 3 होते हैं, ठीक है, 3 हमारे यौगिक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में 24H2 होते हैं, कितने होते हैं, 24H2। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रेशन के कितने हैं, 24 है, और यहां पर क्या है सल्फेट के कितने हैं, 3 एल्यूमिनियम के साथ में और 1 है पोटास के साथ में सल्फेट का। K2SO4 Al2SO43 और इंटू 24H2O, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, फिटकरी का था, पोटास एलम 7 हो गए हमारे। आठवां हम देखते हैं, आठवें नंबर पर हम बात करें, अब तो छोटे छोटे बच गए हमारे, ब्लीचिंग पाउडर, किसकी बात करेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2। अच्छी तरह से आपको यह ध्यान करना है, हमारा यह फार्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक दूसरा फार्मूला है इसका, कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड है ये, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइट है, राइट है, क्लोराइट, क्लोराइड नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कभी आप घबरा जाओ, कहा कि इंग्लिश वाले हाइपो मास्टर तो हिंदी में पढ़ा रहा है, हाइपो क्लोराइट, क्लोराइट, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ब्लिंचिक पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, विरंजक चूर्ण है सभी को पता है, पर जल के कीटाणुओं को मारने के लिए, ठीक है, जल के कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए। और ब्लीच करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर है तो। नौवें नंबर पर हम बात करेंगे अब, नौवें नंबर पर नौवां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नौवां पॉइंट, इप्सम साल्ट, इप्सम लवण पूछा जाता है कई बार पेपर में, इप्सम लवण, इप्सम साल्ट, इप्सम लवण, लवण, इप्सम लवण का सूत्र पूछा जाता है। बस केवल क्या ध्यान रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, उसके साथ में 7 जल के अणु होते हैं, जल के यौगिक मान लेते हैं हम, हाइड्रेशन होता है, ठीक है, हाइड्रेशन के रूप में। इप्सम लवण का उपयोग किसके लिए करते हैं, यह भी आपको ध्यान करना है, जो अपना घाव होता है, घाव को साफ करने के लिए, तो क्लीनिंग द वाउंड्स बोल देते हैं, या इट इज यूज्ड एज ए, या हम बोल देते हैं इट इज यूज्ड एज ए। इंग्लिश में हम देखें
तो इसको बोलते हैं पुरगेटिव। क्या बोलते हैं? पुरगेटिव। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए पुरगेटिव। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पुरगेटिव को? घाव साफ करने के लिए, घाव साफ करने के लिए, करने के लिए। साथ साथ में लिख दो जल्दी, फिर हम आगे देखेंगे। हो गया, हो गया होगा। अब देखोगे हम आगे देखेंगे, ये था हमारा इप्सिलॉन। एक पॉइंट रह गया ब्लीचिंग पाउडर में, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा, ये कैसे तैयार किया जाता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो शायद मैंने आपको बता दिया हो, मैं यदि नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देता हूं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ में क्लोरीन गुजारते हैं। जब क्या है? क्लोरीन गैस गुजारते हैं। क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, और फिर है H2O बाहर निकल जाता है। क्या है? H2O बाहर, CaOH2 और Cl2। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रोसेस होता है? ये क्लोरीन और ये कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा उपयोग किया जाता है। एक बार पेपर में ये पूछा गया था, मैं इसलिए बताना पड़ा ये कि इस मेथड को क्या बोलते हैं? हेजन क्लेवर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेजन क्लेवर मेथड। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है, हेजन क्लेवर मेथड। सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेजन क्लेवर सिद्धांत बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हेजन क्लेवर मेथड। और इसको एक ध्यान और आ गया मुझे, इसका दूसरा नाम एक और है, बैचमैन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बैचमैन मेथड और हेजन क्लेवर मेथड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हेजन क्लेवर मेथड है और हमारा बैचमैन मेथड है। ये दोनों के दोनों मेथड किस में प्रयोग किए जाते हैं? हमारे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किए जाते हैं। लो भाई, अब मुझे ये लग रहा है कि जब आएगा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये 9 पॉइंट हो गए। अब हम 10वां पॉइंट पर चलेंगे। 10वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने कई बार नाम सुना होगा बेयर रिजेंट।
इसको बेयर अभिकर्मक भी बोल देते हैं। बस सिंपल यही पूछा जाता है बेयर रिजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कलाइन KMnO4 का, एल्कलाइन KMnO4 मतलब अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ ले पेपर में कि एल्कलाइन KMnO4 के क्या कौन सा रिजेंट है, तो वो कौन सा रिजेंट है, बेयर रिजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, BAEYR बेयर रिजेंट। ठीक है, बेयर रिजेंट है वो क्या है हमारा, एल्कलाइन KMnO4 है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम 11वां पॉइंट देखेंगे। 11वां पॉइंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बस दोबारा बता रहा हूं, जो एल्कोहल ब्रेथ टेस्ट होता है, एल्कोहल ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस, ब्रेथ टेस्ट, एल्कोहल की जो टेस्टिंग की जाती ना, लिख देता हूं मैं, एल्कोहल श्वास टेस्ट, तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर हमारा हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है फॉर्मूला, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चा है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यदि घर से बाहर से बच्चा आया है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल उसके लिए तैयार रखना है, और कहा कि फूंक मारी और उसका रंग है नारंगी से हरा हो जाता है, और नारंगी से हरा हो जाएगा तो बच्चे ने शराब पी है, तो इस रूप से पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह था हमारा एल्कोहल ब्रेथ टेस्ट। अब अगला हम देखेंगे, लास्ट हमारा एक और देख लेते हैं, गेमेक्सिन, किस क्या देखना है, 12वें नंबर पर हम देखना है गेमेक्सिन। गेमेक्सिन किस रूप से पूछा जा सकता है, गेमेक्सिन बस इतना ही पूछा जा सकता है, गेमेक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है, जो गेमेक्सिन है हमारा, गेमेक्सिन, तो गेमेक्सिन ही दवाई हमारी कौन सी होती है, BHC होती है, कौन सी होती है, BHC, बहुत ही खतरनाक दवाई है, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन के साथ में कितने ग्रुप होते हैं, क्लोराइड के 6 ग्रुप होते हैं, क्लोराइड 7, 6 क्लोराइड इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम देखते हैं बेंजीन का फार्मूला है, सभी को ज्ञात होगा बेंजीन का, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बेंजीन में तो ऐसे होता है बेंजीन का, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, तो Cl है यहां पर होगा, तो 6 Cl होंगे, तो 6 ही तो होते हैं बेंजीन के अंदर, कार्बन स्ट्रक्चर में Cl है, और ये भी क्या है, Cl है, तो इस तरह से 6 जुड़ गए, तो यही हमारा क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं फिर, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गेमेक्सिन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गेमेक्सिन। ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक साथ हमने पढ़ लिए हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर हमने पढ़ा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को का उपयोग है हम किसके लिए करते हैं, हार्ड सोप बनाने में, कठोर साबुन बनाने के लिए, और यही हमारा सबसे प्रबल अक्षार है, सबसे प्रबल अक्षार, दुनिया में सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा है, यही है सबसे स्ट्रांग बेस। ठीक है, सबसे स्ट्रांग बेस, फिर उसके बाद में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐसे, और यह इसका हाइड्रेशन करें, इसमें पानी डालें, जलीकरण करते ही इसमें Na2O घुल जाते हैं, Na2CO3 Na2O और सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट बना लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अगला देखते हैं, अगला हमारा NaHCO3 है, NaHCO3 है, इसके साथ में H2SO4 डाल दें, और जब ये आग के संपर्क में आता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है और आग बुझ जाती है, तो आग बुझाने में इसका प्रयोग
किया जाता है, ठीक है, CO2 गैस रिलीज होगी, इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा खाने का सोडा, अग्निशामक में प्रतिअम्ल, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। जिप्सम है ये CH4N2H2O, जिप्सम में पानी के कितने अणु होते हैं, यौगिक होते हैं, 2H2 होते हैं। सीमेंट है, में 2 से 5% तक जिप्सम मिला जाता है जो सीमेंट के जमाव को धीमा करता है, और इसका हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, सॉरी पांचवें नंबर पर POP प्लास्टोपेरिस है, इसको यदि थोड़ा सा पार्शली हीटिंग करें तो हमारा प्लास्टोपेरिस तैयार हो जाता है, और प्लास्टोपेरिस को CH4N2H2O भी बोलते हैं ये हमारा, क्योंकि एक CH4 के साथ में आधा H2O है तो 2 CH4 के साथ में पूरा H2O हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, यही तो मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग होता है, तो लिख सकते हैं हम मूर्तियां बनाने के लिए, मूर्तियां इसी से बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाने में इसी का उपयोग, ठीक है, जो हार्ड हो जाता है मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं हम छठे नंबर पर, फिलोसफर वूल, फिलोसफर वूल है, ऐसे सिंपल पूछा था, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको जस्ता का फूल भी बोलते हैं, फ्लावर ऑफ जिंक, और सूत्र कौन सा है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। जो सनस्क्रीम होती है जो त्वचा को हमारा अल्ट्रावायलेट बी से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। पोटास LM का सूत्र पूछा जाता है, K2SO4 Al2SO43 हमारा 24H2O। तो हम देखते हैं ये किसके रूप में, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या करती है, एंटीसेप्टिक है हमारे जो कोई घाव लग जाए उसमें से खून बहे तो उस खून को रोकने के लिए, रक्त का थक्का जमाने में उपयोग किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अगला ब्लीचिंग पाउडर, हेजन क्लेवर मेथड सिद्धांत से, बैचमैन सिद्धांत से, तो कौन सा पदार्थ तैयार किया जाता है, विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, यह बात आपको ध्यान करनी है। या तो बैचमैन सिद्धांत या हेजन क्लेवर सिद्धांत से हम क्या तैयार कर सकते हैं, कोई भी पेपर में पूछ ले तो उससे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, जल के कीटाणुओं को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में इप्सम साल्ट, इप्सम लोन बोलते हैं, MgSO4 और 7H2 होते हैं, हाइड्रेशन करेंगे 7H2O, और यह किसके रूप में होता है, घाव साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट हम देखते हैं, हमने 10वां 11वां 12वां देख लिया, ये सिंपल पूछे जाते हैं पेपर में, और सीधे डायरेक्ट याद करने आपने, सीधे सीधे सूत्र है इसके हमारे। तो हम देखते हैं बेयर रिजेंट है अभिकर्म एल्कलाइन, KMn4 क्षारीय, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, कई रिएक्शनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल ब्रेथ टेस्ट है, एल्कोहल श्वास टेस्ट, तो श्वास मारी जाती है इस टेस्ट के, इसमें इस घोल में पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और घोल का रंग चेंज हो जाता है तो उसने शराब पी है। गैमेक्सिन है, BHC को बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में केमिस्ट्री, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।